हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई दिस इज मी अर्षी सिद्दीकी एंड दट नन अदर दैन अमर उपाध्याय वितास फॉर द अपकमिंग शो डोरी सर कंग्रेचुले अप विद अ बैंक ऑन कैरेक्टर काफी चैलेंजिंग है टू एक्ट स्पेश जैसे कि अभी बात हुई है सुधा मैम से एक फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है वॉट डू वन सेबाउट इट या दिस इज वेरी ट्रू सुधा जी ने सही कहा कि फर्स्ट टाइम टीवी पे अटेम्प्ट हो रहा है फादर डॉटर शो बेस्ड नो फादर डॉटर ये गुड वर्सेस इविल थॉट प्रोसेस पे है क्योंकि जब लड़की पैदा होती है तो लोग बोलते हैं लड़की क्यों लड़की, लड़की हुई क्या लड़की हुई क्या लड़का नहीं हुआ लड़का नहीं तुमको लड़की है पांच लड़कियां हैं मतलब ये जो थॉट है ना लड़की को लेकर करेक्ट वो क्यों है क्यों? लड़की क्यों नहीं बिल्कुल ये ये क्यों नहीं है लड़की क्यों नहीं तो so ये thought के ऊपर एक इशू है Correct. हाँ. और जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं yes. अरे यार लड़की हुई लड़ा हमारा इतना पैसा है इतना कारोबार है लड़का होता तो आगे लेके जाता बिल्कुल तो ये बड़े लोगों की छोटी सोच और गरीबों की बड़ी सोच ये उसकी लड़ाई एक बिल्कुल uh, अमर जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन uh, मेरा आपसे ये है कि हमने बहुत सारे ऐसे शोज देखे आज की तारीख में जो जेंडर बायसनेस और जेंडर इन इक्वालिटी के ऊपर है डोरी कितना डिफरेंट है फ्रॉम दो शोज कौन से शो देखे आपने जेंडर इन इक्वालिटी के ऊपर बताइए आप कलर्स का ही शो रहा है बालिका वधु वो चाइल्ड मैरिज के ऊपर है और साथ ही साथ इन इक्वालिटी इट्स नॉट चाइल्ड मैरिज या

Contact, कुछ नहीं स्ट्रिंग्स बट जस्ट मेरे बच्चों को माँ मिल गई और, तो तो। और फेंक दिया पानी में। hmm. लड़का होता तो अलग बात थी hmm. तो ये जो सोच के ऊपर शो है अपने आप में ये बालिका वधू नहीं है चाइल्ड मैरिज नहीं है ये कुछ लाडो एज दिस जो शो है वो ये एक चाइल्ड जो पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता है या जो बच्ची पैदा उनको फेंक दिया जाता है या या उनके साथ जो गलत सोच जो समाज की है बिल्कुल आज चाहे गांव हो या शहर हो या कुछ भी कहीं भी हो बिल्कुल मतलब आई थिंक एक बड़ा समुदाय यही सोचता है कि लड़का क्यों नहीं हुआ करेक्ट यू नो और जिसको तीन लड़कियां होती हैं ये तो तीन तीन लड़कियां हैं ऐसी बातें करते हैं मैंने सुना लोगों को जी। या, मतलब ये क्यों मतलब ये सोच क्यों है ऐसी

और इस शो में वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी क्योंकि उनका जो ये अप्रोच है टू तो नेगेटिव रोल जो yes. कर रही है बहुत ही अलग है yes. और टेलीविजन में हम जो देख रहे हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स उस, उससे ये ये बहुत ही अलग अप्रोच से परफॉर्म कर रही है लोगों को पसंद आएगा मेरा अलग लुक है इसमें मैं हैंडीकैप हूँ मेरा एक हाथ काम नहीं करता yes. Yes. मैं ऊपर से बुनकर हूँ और एक बेटी है गरीब है इसका लुक बाल भी ऐसे वैसे बिखरे हुए हैं मेकअप नहीं करता मैं शो में नो मेकअप ओनली ऑन द शो और जो रियलिस्टिक जितना रियलिस्टिक टच करके मैं ये कैरेक्टर दिखूँ गरीब दिखूँ पूरा मतलब एक लुक गेटअप पूरा पूरा माई अप्रोचर्ड वेरी रियलिस्टिक शो सो ये अलग है मेरे कोस्ताज माही भानुशाली छोटी बच्ची है वो आई थिंक शी इज ब्रिलियंट एज अ चाइल्ड एक्टर इज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट वेरी स्मार्ट शी कम्स वेल प्रिपेयर्ड ऑन द सेट लाइंस वाइन्स पढ़ के आती है

एक शो शुरू होता है तो आर्टिस्ट बहुत कमिटमेंट खड़ी कर देता है तो फिर वो खराब हो जाती हैं तो course, तो ऑफ फर्क सभी को है अपने अपने लेवल पे बिल्कुल और ऐसे अचानक शो जाना आई डोंट नो व्हाट से कहीं हमारी सोच में कहीं कुछ या हमारा कहीं पर क्या फॉल्ट रहा वो ढूंढना पड़ेगा कि कहां हम गलत पड़े जो जबकि अच्छा चला था yes, yes. Oh, और राइट सर सेकेंडली आई वॉन्ट ए नो दैट वेन एवर अ स्टोरी लाइन हमेशा एक बहुत यूनिक तरीके से चालू होती है हमने देखे हैं कई शोज ऐसे रहे हैं लेकिन इवेंचुअली शो का जो प्लॉट है वो चेंज होने लगता है एंड दैर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट ऑडियंस हैज बीन यू नो वेरी मच पर्टिक्युलर कि हमेशा देखती हैं शो में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई भी कंटिन्यूटी uh, नहीं दिखाई देती है वट एवर हैपन्स दे ऑलवेज पॉइंटेड आउट

कई लोग नहीं अटेम्प्ट करते हैं Correct. वो स्टैंडर्ड जिन्होंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही यूज करते हैं ये कलर्स ऐसा नहीं करता तो आई थिंक ये जो हमारे समाज में जो बेटियों की तरफ एक नजरिया होता है कि बेटी पैदा हुई वो नजरिया चेंज करने का एक अटेम्प्ट है एक ऑनेस्ट अटैम्प्टोरी तो, तो ये छः नवम्बर से आ रहा है मंडे टू तो फ्राइडे नाइन ना, सो ना तो प्लीज वॉच आपको बहुत मजा आएगा देखने का अलग शो है